मुद्दा हिमाचल का जो चला हुआ है कि जहां पर एक बाहर से आए हुए कपल को कोमा में पहुंचाया गया। अभी एक और देख रहा था डलोजी में, एक जो था बंदा गया हुआ था वहां पर भी ये सब कुछ हुआ। उसके अलावा मनाली का मैंने देखा कि एक बाहर से लड़की जा रही थी, सब वीडियो डले कि पांच पांच छह छह लोगों ने मिलकर मारा। देखो पहली बात तो ये कि सारे हिमाचल वाले गलत नहीं है, सारे हिमाचल वालों की बात नहीं है, लेकिन सबसे गलत बात यह है कि देखो यार लड़ाई झगड़ा होता है, होता रहेगा, लेकिन ये देखकर कि बंदा पंजाब का है और सौ सौ हिमाचल के लोग इकट्ठे होकर दो दो बंदों को मार रहे हैं, लानत है वे सालों तुम्हारे ऊपर जो ये काम कर रहे हैं। ये सारे हिमाचल वालों के लिए बात नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं उनके लिए बात है, लानत है तुम लोगों के ऊपर। मैं भी शिमला से हूं, मेरी यहाँ पर 10 बारी जो है भैंस बसाई लड़ाई हो चुकी है और मैंने हमेशा मेरे साथ देखा कि पंजाबी लोग खड़े हुए। मेरी 17 में लड़ाई हुई थी, 6 फुटा बंदा था, उसने मेरे पैर पे गाड़ी चढ़ाई थी 10 साल पहले। सिर्फ बंदे को किसी को पता लगा था, पंजाब के सारे मेरे हक में खड़े हो गए थे, सामने एक पंजाबी खड़ा हुआ था। ये पंजाब की एक धरती है, यहाँ पर ना कोई देखता कि सामने वाला सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, यहाँ पर गलती देखी जाती है। जो हिमाचल की धरती से संदेश दिया जा रहा है, यहां मेरे साथ कोई भी आ जाए अगर वो मुझे बोलेगा 10 किलोमीटर के अंदर में 500 से 1000 हिमाचल के लोगों को दिखा दूंगा काम करते हुए, सिर्फ 10 किलोमीटर के एरिया में, ना करूं तो जो मर्जी बोलो। लड़ाई हुई है एक की एक से हो बात समझ में आती है, दो की दो से हो बात समझ में आती है, लेकिन बाहर का बंदा देखकर ना तुम लोग आज की डेट में जमीर मर चुके हुए हैं, ना तुम लोग औरतें देख रहे हो, औरतों को मारा जा रहा है। एक लड़की थी मनाली में, 6 लोगों ने रात के 2 बजे मारा उसको बेरहमी से, वीडियो वायरल हुई भी है। और जब कांगड़ा में जो है एक लड़की को शरेआम एक दरार से काट दिया गया, तब हिजड़ों की तरह सारे खड़े हो गए, तब क्यों नहीं 150 बंदा इकट्ठा हुआ जब एक लड़की को बेरहमी से मारा जा रहा था। कम से कम जो था 100 लोग तमाशा देख रहा था, एक लड़की के हाथ काट दिए, गर्दन काट दी एक बंदे ने सिर्फ, और द्राट लेकर निकल पड़ा, तब क्यों नहीं तुम लोगों के अंदर का जो है योद्धा वीर योद्धा जो जागा। तो जो संदेश दे रहे हो वो बहुत गलत संदेश दे रहे हो। हाँ लड़ाई होती है, ठीक है, यहां लड़ाई होती है, एक की एक से होती है, दो से दो की होती है, किसी को कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर तुम लोग 100-100 लोग इकट्ठे हो रहे हो तो एक बहुत गंदा संदेश दे रहे हो। अगर पंजाब वालों ने यह सोच लिया 15 मिनट में हिमाचल वालों को जो है हिमाचल में बिठा देंगे, क्या करोगे? यहां पर तो मैं बता रहा हूं ना, जाके पेट्रोल पंप से लेके ठेके से लेके आईटी डिपार्टमेंट से लेके कॉल सेंटर से लेके हर जगह देख लो, पंजाब के लोग दिल्ली काम करने के लिए जाते हैं, दिल्ली के लोग बॉम्बे जाते हैं, हिमाचल के लोग चंडीगढ़ आते हैं और बॉम्बे के लोग फॉरन में जाते हैं, इसमें कोई एहसान नहीं है। लेकिन हद है यार, मार मार के किसी को कोमा में पहुंचा रहे हो एक पार्किंग के लिए, एक छोटी छोटी सी बात के लिए, छोटी सी बात के लिए। बहुत गंदा माहौल, बहुत गंदा मैसेज कर रहे हैं हिमाचल वालों। मैं तो अब हिमाचल में रहता नहीं, अब तो मैं पंजाब में हूं पिछले 10-12 साल से, तो मैं पंजाब की बात करूंगा जहां की मिट्टी में रह रहा हूं मैं। लेकिन ये सारे हिमाचल वालों के लिए नहीं है, सारी जगह के लिए नहीं है, हिमाचल के लोगों के बीच में रहे हम, आज भी हिमाचल में ही रहते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन जो ये हरकतें अब होनी शुरू हो चुकी है, कभी परौंठे बेचे जा रहे हैं, 1000-1000 रुपए का परौंठा बेचा जा रहा है, किनको लूटा जा रहा है? पंजाब के लोगों को। तो पंजाब के क्या कहीं के भी लोग आ रहे हैं, कोई भी बात हो जाती है। अभी कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग के लिए एक, तुम लोग ये नहीं देख रहे हो हराम खोरो, अभी मेरे से गाली निकलेगी, कि एक लड़की चूड़ा डाल के अपने पति के साथ आई है, तुम लोग 20-20 बंदे पैराग्लाइडिंग में इकट्ठे होकर मार रहे थे उसको। तुम्हारे को थोड़ी सी भी शर्म है कि तुम लोग कमजोर नहीं देख रहे हो? तुम्हारे के इतनी औकात नहीं है जो इतने तुम लोग जो है ना, जो 100-100 इकट्ठे हो रहे हो, अगर तुम लोग इतने ही हो ना तो 100 इकट्ठे हो जाओ और कह के हो जाओ, 5-10 ही बहुत है फिर जो लड़ने पे आगे। तुम लोग मारते किनको? मियां बीबियों को मारते हो? कोई मियां बीबी चूड़े वाली लड़की है उसको मार रहे हो? लानत है वे तुम लोगों के ऊपर, जी भर के लानत है। हिमाचल वालों को भी इनका विरोध करना चाहिए, शर्म आनी चाहिए हिमाचलियों को भी, कि जिनके आगे जो है एक लड़की को काटा जाता है जो चुप रहते हैं, लेकिन वहीं कोई टूरिस्ट की बात आती है 20-20 लोग जो इकट्ठे होते हैं, इनका विरोध ये स्थानीय लोग क्यों नहीं करते? कहां से ये गंध आ गया हिमाचल के अंदर? हिमाचल में तो ऐसा कभी था नहीं, हिमाचल में ईमानदारी थी, सभ्याचार था,
देव भूमि हिमाचल थी, देवों की भूमि है। आज भी हर घर में देवी देवते पाए जाते हैं, औरत की इज्जत की जाती है। अभी क्या है ये? अभी इसमें भी अपने आप को सही बोल लोगे तो लानत होगी सबके ऊपर। इसलिए तुम लोगों को वहां से एक संदेश देना चाहिए, जहां पर यह घटना हुई है वहां के लोगों को संदेश देना चाहिए कि हाँ गलत हो रहा है। बस यही बोलना चाहूंगा कि जैसे हिसाब से पंजाब के लोगों के मन में जो है आज हिमाचलियों के लिए जो है नफरत पैदा हो रही है, तो इनके जिम्मेवार भी तुम लोग हो। कल को कुछ गलत होगा, इनके जिम्मेवार भी तुम लोग ही होंगे, ठीक है ना। आदेश, जय माता दी, वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।